Hello, Bacho. Welcome back to my channel SM ICSC classes. In today's class, we are going to solve exercise 12b linear equations in one variable class 7th maths ICSC. If you see question number 1, 2, 3, they are similar to each other. If we solve second or third question then first will be covered in that so i am going to solve question number 2 of your exercise 12b question number 2 mein dekh sakte hain ki fraction diya hua hai तो जो fraction का rule होता है addition का जो rule होता है उस rule को अपनाना है यहाँ पे। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे ऐड करेंगे इस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे एक उदाहरण से एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं थ्री बाई फाइव प्लस फोर है यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं एलसीएम अपॉन वन लिख करके एलसीएम ले लो या फिर शॉर्टकट मेथड शॉर्टकट मेथड क्या होता है फाइव से फोर में मल्टीप्लाई करेंगे फिर थ्री में ऐड कर देंगे तो कैसे लिखेंगे थ्री प्लस फाइव इंटू फोर अपॉन फाइव तो ये आ जाएगा थ्री प्लस ट्वेंटी अपॉन फाइव ट्वेंटी थ्री अपॉन फाइव जैसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को इमप्रॉपर में चेंज करते हैं वहीं तरीका यहाँ पे अपनाना है इसको हम फिर से देख सकते हैं फोर को इस साइड में लिख लें फोर प्लस थ्री बाई फाइव जैसे मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं टू तो, टू बाई फाइव है तो हम लोग क्या करते हैं फाइव टू जा टेन प्लस टू टेन प्लस टू ट्वेल्व बाई फाइव करते हैं सेम यहाँ भी वही चीज करना है फाइव इंटू फोर प्लस थ्री फाइव इंटू फोर ट्वेंटी प्लस थ्री ट्वेंटी थ्री अपॉन फाइव डायरेक्टली वी कैन राइट हियर ये फोर इस तरफ हो तब भी वही रूल लगना है और लेफ्ट में हो तब भी सो so, इसी मेथड से इसी प्रोसेस से हम लोग इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने वाले हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं x बाई टू प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू एटीन क्या करेंगे टू का मल्टीप्लीकेशन फोर एक्स में करेंगे और ऊपर एक्स में ऐड कर देंगे तो यहाँ पे दिस एम्प्लाइज एक्स प्लस टू इन टू फोर एक्स अपॉन होल अपॉन टू लिखेंगे हमेशा इसको अपॉन में लिखेंगे इज इक्वल टू एटीन अब इसको सॉल्व करेंगे और एक्स प्लस टू फोर जट x एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू एटीन ऊपर क्या आएगा एक्स प्लस एट एक्स एक्स का मतलब वन एक्स तो वन एक्स प्लस एट एक्स नाइन एक्स नंबर्स विल बी एडेड अपॉन टू इज इक्वल टू एटीन देन टू को ट्रांसफर कर देंगे नाइन एक्स इज इक्ल टू एटीन इंटू टू इधर डिवाइड है तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा अब एक्सरसाइज ट्वेल्व बी में हमें बैलेंस मेथड अप्लाई नहीं करना है वो एक्सरसाइज ट्वेल्व ए में सीखना था और उन्हीं के क्वेश्चंस को सॉल्व करना था सो so, यहाँ पे नाइन एक्स इज इक्वल टू थर्टी सिक्स एक्स इज़ इक्वल टू थर्टी सिक्स अपऑन नाइन सो एक्स इज इक्वल टू फोर हमारा एक्स की वैल्यू आ गई फोर अब हमें आंसर चेक करना है क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व एंड चेक योर आंसर इफ यू रीड द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज ट्वेल्व बी फर्स्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व एंड चेक योर आंसर्स तो यहाँ पे आंसर चेक करने के लिए हमारा एक्स की वैल्यू क्या आई है फोर आई है जैसे कि प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने बताया था कैसे चेक करना है यहाँ पे एल में इक्वल से पहले वेरिएबल एक्स दिया हुआ है आर में वेरिएबल नहीं है तो हम लोग एल को लेके चलेंगे और एक्स की वैल्यू उठा के एल में पुट करेंगे सॉल्व करेंगे और आर अपने आप आएगा तो हमारा आंसर हंड्रेड परसेंट करेक्ट है अदरवाइज करेक्ट नहीं है सो लेट सी वी राइट फर्स्ट एल एच एस तो यहाँ हमने लिख लिया है टू चेक आंसर एल एच एस एल एच एस लेना है क्योंकि एल एच एस में ही वेरिएबल एक्स दिया हुआ है सो वी राइट एक्स बाई टू प्लस फोर एक्स ओनली एक्स की वैल्यू फोर रखनी है एक्स की वैल्यू फोर आई है तो so, यहाँ फोर फोर अपॉन टू हो जाएगा एक्स की जगह पे फोर आ जाएगा प्लस फोर ये फोर है और एक्स की वैल्यू फोर तो यहाँ पे इन है तो फोर इंटू फोर तो आंसर ये क्या होगा फोर बाई टू इज टू प्लस फोर फोर जस्ट सिक्सटीन इज़ इक्वल टू एटीन तो देख सकते हैं कि आर हमारा एटीन आ चुका है सो so, आर हमने एल में एक्स की वैल्यू रखी और आर एच एस आ गया अपने आप इसका मतलब हमारा आंसर हंड्रेड परसेंट करेक्ट है आंसर चेकिंग का प्रोसेस यही है जब भी एल एच एस में सिर्फ वेरिएबल होगा तो एल एच एस पार्ट लेंगे एल एच एस आर एच एस दोनों में वेरिएबल होगा तो दोनों पार्ट ले करके सॉल्व करेंगे जैसा कि मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर दिया है हमने इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व किया इसको और दो तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ अपॉन वन करके एलसीएम लेंगे तब भी यही सेम कंडीशन आएगा उसके बाद बुक में जो मेथड है उस मेथड को हम समझने की कोशिश करते हैं सो लेट्स सी सेकंड मेथड टू सॉल्व दिस इक्वेशंस बुक में जो दिया है यहाँ पे डिनोमिनेटर टू है तो हर एक टर्म में इस टू से मल्टीप्लाई कर देना है टर्म्स कितने, कितने कौन कौन से टर्म्स हैं एक तो एक्स बाई टू वाला टर्म हो गया प्लस फोर एक्स एक टर्म हो गया और एटीन एक टर्म हो गया तो हर एक टर्म में इस टू से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे लिखेंगे एक्स बाई टू इंटू टू प्लस फोर एक्स इंटू टू इज इक्वल टू एटीन इंटू टू एटीन इंटू टू अब आगे सॉल्व करेंगे तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा एक्स बच जाएगा प्लस फोर टू जा एट एक्स इज इक्वल टू थर्टी सिक्स नाउ एट एक्स और यहाँ पे वन एक्स कितना आ जाएगा नाइन एक्स नाइन एक्स इज इक्वल टू थर्टी सिक्स हमने बताया था कि यहाँ पे नंबर्स को ऐड करेंगे और वेरिएबल को ऐसे ही लिख लेंगे सो नाइन एक्स इज इक्वल टू थर्टी सिक्स तो एक्स इज इक्वल टू थर्टी सिक्स बाई नाइन तो एक्स इज इक्वल टू फोर हमारा जो मेथड था यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन वाले रूल से करने से करना है. और एलसीएम लेके करना एक ही है तो इस मेथड से चाहो सॉल्व करो या फिर इस मेथड से सॉल्व करो इट्स डिपेंड ऑन यू लेकिन आंसर चेकिंग का तरीका यही है जो मैंने अभी समझाया आंसर हमेशा ऐसे ही चेक करना है आंसर चेकिंग में कोई चेंज नहीं तो अब हम अगली क्वेश्चंस को जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं हम इसी मेथड से सभी को सॉल्व करेंगे यहाँ पे सिर्फ एक ही डिनोमिनेटर है अब मान लो इसका भी डिनोमिनेटर होता तो हम लोग क्या करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पे है तो हम लोग सी क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑफ और एक्सरसाइज ट्वेल्व बी कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में दोनों के डिनोमिनेटर दिए हुए हैं दो फ्रैक्शंस हैं तो या तो एलसीएम लेके सॉल्व करो जैसे एज़ यूजल करते हैं दूसरा ये है कि एलसीएम लेकर के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर दें जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें सिर्फ एक ही डिनोमिनेटर टू था तो टू से हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे क्या करना है एलसीएम ऑफ थ्री एंड फाइव पहले निकालना सो एलसीएम ऑफ थ्री एंड फाइव थ्री और फाइव प्राइम नंबर्स हैं तो एल्सीयम इन दोनों का प्रोडक्ट होगा अब क्या करेंगे चाहो तो जैसे एल्सीयम लेके सप्ट्रैक्ट करते हैं फ्रैक्शन को वैसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर अभी हम इस एलसीएम से हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करने वाले हैं मल्टीप्लाई करने से कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा लेट्स सी तो यहाँ पे देख सकते हैं कि थ्री टर्म्स हैं टू यू बाई थ्री एक टर्म हो गया u बाई फाइव एक टर्म हो गया एंड फोटीन वन टर्म तो हर एक टर्म में फिफ्टीन से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट टर्म में हमने फिफ्टीन से मल्टीप्लाई कर दिया सेकेंड टर्म में भी फिफ्टीन से मल्टीप्लाई कर दिया लास्ट थर्ड टर्म में भी हमने फिफ्टीन से मल्टीप्लाई कर दिया तो जैसे ही फिफ्टीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री फाइव ज फिफ्टीन तो फाइव टू जा टेन टेन यू आ जाएगा टेन यू फाइव टू जा टेन यू इज इक्वल टू या आप फाइव से कट करेंगे तो फाइव थ्री जा फिफ्टीन हो जाएगा एंड थ्री यू दिस इज माइनस साइन नॉट इक्वल टू थ्री यू इज इक्वल टू तो फिफ्टीन फोर जा सिक्सटी फिफ्टीन वन जा फिफ्टीन एंड सिक्स ट्वेंटी वन अब यहाँ पे देख सकते हैं टेन यू माइनस थ्री यू सेवन यू आ जाएगा इज इक्वल टू टू हंड्रेड टेन यू इज इक्वल टू टू हंड्रेड टेन अपॉन सेवन यू इज इक्वल टू आ गया थर्टी सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन एंड जीरो u की वैल्यू आ गई थर्टी अब हमने u को निकाल लिया अब हमें आंसर चेक करना है तो अगेन वी कैन सी इन एल एच एस वेरिएबल इज़ गिवेन यू तो यहाँ पे फिर से टू चेक योर टू चेक और आंसर तो टू चेक आंसर हमने एल एच एस पार्ट को लिया सिर्फ एल एच एस पार्ट को क्योंकि एल एच एस में ही वेरिएबल यू दिया हुआ है अब हम यू की वैल्यू इसमें रखेंगे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर अगर फोर्टीन आ गया सिंप्लीफिकेशन के बाद तो इसका मतलब यू इज़ इक्वल टू थर्टी हमारा करेक्ट आंसर है तो यहाँ पे पुट यू इज़ इक्वल टू थर्टी तो टू इंटू यू की वैल्यू थर्टी दिस इज़ यू अपॉन थ्री माइनस थर्टी अपॉन फाइव यू की जगह थर्टी रख लिया सिंपल ये कितना हो जाएगा यहाँ से ऐसे काट सकते हैं या सिक्सटी बाई थ्री करेंगे सिक्सटी बाई थ्री माइनस थर्टी बाई फाइव इज सिक्स थर्टी में फाइव से डिवाइड करेंगे सिक्स आएगा और ये क्या आ गया ट्वेंटी सिक्सटी बाई थ्री इज़ ट्वेंटी माइनस सिक्स इज़ इक्वल टू फोर्टीन हमारा आर एच एस आ चुका है सो so, हमारा आवर आंसर इज़ आवर आंसर यहां पे लिखेंगे अवर आंसर u इज इक्वल टू थर्टी यू इज इक्वल टू थर्टी इज करेक्ट सो हर एक क्वेश्चन में आंसर को चेक करना है एक्सरसाइज ट्वेल्व बी में अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करने जा रहे हैं एलसीएम यहां भी निकालेंगे यहाँ हमने एल से मल्टीप्लाई किया था हर एक टर्म में लेकिन अब यहाँ पे एल लेने के बाद तो थ्री और फाइव का एलसीएम कितना होगा फिफ्टीन होगा अब जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे इस फिफ्टीन में थ्री से डिवाइड करेंगे फिफ्टीन डिवाइडेड बाय थ्री तो क्या आएगा फाइव फाइव का मल्टीप्लीकेशन ऊपर करेंगे फाइव टू जाट टेन यू माइनस इस फिफ्टीन में इस फाइव से डिवाइड करेंगे तो फिफ्टीन डिवाइडेड बाय फाइव इज थ्री थ्री इंटू यू थ्री यू इज इक्वल टू फोरटीन तो ये क्या होगा ऊपर टेन यू माइनस थ्री यू सेवन यू फिफ्टीन को हमने उधर ट्रांसफ़र कर दिया फोर्टीन इंटू फिफ्टीन तो देखो वही सेम कंडीशन आ रहा है सेम चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ले आओ या फिर ऐसे एलसीएम लेके सॉल्व करके ले आओ ऐसे ही सेम कंडीशन आएगा तो यहाँ पे अब हम लोग इसको U की वैल्यू निकाल सकते हैं U इज़ इक्वल टू या मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है फोर्टीन इंटू फिफ्टीन अपॉन सेवन अपऑन सेवन यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा ये टू से कट गया टू फिफ्टीन टू इंटू फिफ्टीन इज़ थर्टी तो U की वैल्यू आ गई थर्टी हम किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे लेकिन आंसर चेकिंग का तरीका यही है हमेशा एल को अगर एल में वेरिएबल दिया हुआ है तो हम एल को ही लेके सॉल्व करेंगे आर आएगा अपने आप क्वेश्चन नंबर सेवन लेट सी क्वेश्चन नंबर सेवन यहाँ भी फ्रैक्शन दिख रहा है एल सी एम कॉमन एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड जो होता है उससे कर लेते हैं या फिर एलसीएम लेके हर एक टर्म में एलसीएम से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो और आसान हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे पहले एलसीएम निकालेंगे टू थ्री फोर का तो टू थ्री फोर का एलसीएम ट्वेल्व होता है निकाल के देख सकते हैं तो यहाँ पे देखा जा सकता है मैंने क्वेश्चन को फिर से लिख लिया है और एल्सीयम ऑफ टू थ्री फोर इज़ ट्वेल्व अब एल्सीम लेने के बाद हर एक टर्म में ट्वेल्थ से मल्टीप्लाई करेंगे कितने टर्म्स हैं देखते हैं यहाँ पे कितने टर्म्स हैं एक्स बाई टू एक टर्म हो गया एक्स बाई थ्री सेकेंड टर्म एंड थ्री एक्स बाई फोर फोर्थ टर्म एंड थर्ड टर्म और ये क्या है फोर्थ टर्म है तो वन टू थ्री फोर फोर टर्म्स हैं हर एक टर्म में ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स बाई टू इंटू ट्वेल्व पहले टर्म में मल्टीप्लाई कर लिया प्लस एक्स बाई थ्री इंटू ट्वेल्व दूसरे में कर लिया माइनस थ्री एक्स बाई फोर इंटू ट्वेल्व तीसरे में कर लिया इक्वल टू थ्री इंटू ट्वेल्व फोर्थ टर्म में भी मल्टीप्लाई कर लिया अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं सिंप्लीफाई करने में क्या होगा कि यहाँ पे देख सकते हैं टू सिक्स जा ट्वेल्व टू सिक्स जा ट्वेल्व थ्री फोर जा ट्वेल्व, फोर थ्री जा ट्वेल्व अब अब क्या होगा देखो यहाँ पे सिक्स इन टू एक्स ऊपर क्या सिक्स है और एक्स है तो सिक्स एक्स आ गया पहले टर्म की वैल्यू सिक्स एक्स दूसरे में फोर इंटू एक्स फोर एक्स नीचे कुछ नहीं बचा है माइनस यहाँ पे थ्री इंटू थ्री नाइन एक्स नीचे भी कुछ नहीं बचा इज़ इक्वल टू थर्टी सिक्स देखो मल्टीप्लीकेशन करने से हमारा जो फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई अब हमारा डायरेक्ट हमें सिम्प्लीफिकेशन मिल गया हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं तो यहां सिंपल एडिशन सिक्स प्लस फोर नंबर्स को ऐड करेंगे वेरिएबल को ऐसे ही ले लेंगे सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स टेन एक्स माइनस नाइन एक्स इज इक्वल टू थर्टी सिक्स तो यहां पे क्या होगा टेन एक्स माइनस नाइन एक्स टेन में से नाइन को माइनस करेंगे और एक्स लगा देंगे तो टेन माइनस नाइन इज वन वन इन टू एक्स वन लिखा नहीं जाता सो so, x की वैल्यू क्या आ गई थर्टी सिक्स अब हमें आंसर को चेक करना है तो यहां भी देखा जा सकता है कि वेरिएबल सिर्फ एल में है तो एल हमें यहाँ पे नोट करके उसमें x की वैल्यू रखेंगे सॉल्व करेंगे और हमारा आर आएगा तो लेट्स सी तो हमने यहाँ पे एल ले लिया है x की वैल्यू थर्टी सिक्स आई है जहाँ जहाँ भी एक्स दिखेगा हमने थर्टी सिक्स रखना है तो एक्स अपॉन टू मीन्स थर्टी सिक्स अपॉन टू एक्स की जगह पे थर्टी सिक्स रख दिया थर्टी सिक्स अपॉन थ्री माइनस थ्री एक्स मीन्स थ्री इंटू एक्स तो थ्री इंटू थर्टी सिक्स अपॉन फोर अब इसको सॉल्व करेंगे थर्टी सिक्स अपॉन टू इज एटीन प्लस थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री थर्टी सिक्स अपॉन थ्री इज ट्वेल्व माइनस यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं फोर नाइन जा थर्टी सिक्स नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन तो यहाँ पे आंसर क्या होगा एटीन एंड ट्वेल्व थर्टी थर्टी माइनस ट्वेंटी सेवन इज थ्री देखो हमारा हमने एल लिया था एक्स की वैल्यू रखी और आर हमारा अपने आप आया है हमने कुछ नहीं किया सिंपलीफाई कर बस किया वैल्यू पुट करी सिंप्लीफाई किया और आर अपने आप आ गया इट मीन्स हमारा जो एक्स की वैल्यू है थर्टी सिक्स वो हंड्रेड परसेंट करेक्ट हैं तो यहाँ पे लिख देंगे सो एक्स इज इक्वल टू थर्टी सिक्स इज़ करेक्ट दैट्स ऑल सो माई डियर चिल्ड्रेन क्वेश्चन नंबर एट नाइन क्वेश्चन नंबर टेन एग्जाम्पल नंबर एलेवन दीज आर वेरी इम्पोर्टेंट सो हम लोग इन क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे क्योंकि ये टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर एलेवन ट्वेल्व थर्टीन 14 को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट एम सी क्यू है फिर भी इसको सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है सो क्वेश्चन नंबर एट नाइन टेन एग्ज़ाम्पल नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है सो डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं यहाँ पे क्या होगा वन पॉइंट फाइव है तो हम इसको सिंपली ले सकते हैं फिफ्टीन अपॉन टेन डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है मालूम होना चाहिए सबको फिफ्टीन अपॉन एक पॉइंट पे डेसिमल लगा हुआ है एक नंबर के बाद डेसिमल लगना है लगा है तो यहाँ पे वन पे वन जीरो आ जाएगा दो पॉइंट पे डेसिमल लगेगा तो यहाँ पे नीचे हंड्रेड हो जाएगा मीन्स फिफ्टीन में जब टेन से डिवाइड करेंगे तो वन पॉइंट फाइव आएगा प्लस सेवन इज इक्वल टू पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव मीन्स फाइव टेन वाई अब यहाँ भी देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर क्या है टेन है तो या तो फिर इसको इधर ले आके ट्रांसफ़र करके वाई की वैल्यू निकालो ट्रांसफ़र तो करना ही है एलसीएम लेके सॉल्व करो या फिर क्या करना है टेन से हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर दो तो हम लोग इसको पहले टेन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहां पे देखो सेवन अपॉन वन है यहां टेन इधर टेन और ये वन है हर एक टर्म में टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन और वन का एलसीएम टेन होगा तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई टेन इन बोथ साइड्स इन ईच टर्म हमने यहाँ स्टेटमेंट लिख दिया मल्टीप्लाई बाई टेन इन ईच टर्म ऑफ बोथ साइड्स सो दिस इज फिफ्टीन अपॉन टेन वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू फिफ्टीन अपॉन टेन वाई है टेन से मल्टीप्लाई करना है हर एक टर्म में टेन से मल्टीप्लाई करना है तो हमने टेन से तो मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई किया सेकेंड में थर्ड में कर लिया सो so, टेन से टेन कैंसिल फिफ्टीन वाई सिर्फ फिफ्टीन और वाई बचेगा तो फिफ्टीन वाई प्लस सेवन इंटू टेन सेवेंटी इज इक्वल टू यहाँ से टेन गया ये फाइव है दिस इज़ फाइव नॉट फिफ्टीन फाइव अपॉन टेन सो दिस इज़ फाइव वाई फाइव वाई फाइव वाई अब क्या करना है वाई को एक तरफ और नंबर को एक तरफ करना है कांस्टेंट को एक तरफ तो फिफ्टीन को उधर भेज देते हैं सेवेंटी अपनी जगह पड़ा है फाइव वाई इधर है आर में ये उधर जाएगा प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा फिफ्टीन वाई सो फाइव में से फिफ्टीन माइनस होगा फाइव में से फिफ्टीन माइनस टेन एंड देन वाई साथ में लग जाएगा फाइव में से फिफ्टीन कैसे होगा फाइव में से फिफ्टीन को माइनस कर नहीं सकते तो फिफ्टीन में से फाइव को माइनस करेंगे टेन आएगा अब चूंकि छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं तो हम माइनस का साइन लगाएंगे तो माइनस टेन वाई इज इक्वल टू सेवेंटी सो so, y इज इक्वल टू माइनस टेन इधर मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा सेवनटी बाई माइनस टेन तो ये सेवन हो गया y की वैल्यू माइनस सेवन आ गई अब हमें आंसर भी चेक करना है तो यहाँ पे एल एच एस और आर एच एस दोनों में दिया हुआ है तो यहाँ पे तुरंत लिखेंगे एल एच एस एंड आर एच एस जब दोनों साइड दिया होगा तो दोनों साइड को लिखेंगे और बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से यहां पे लिखेंगे टू चेक आंसर एल एच एस इज वन पॉइंट फाइव वाई प्लस सेवन एंड दिस इज पॉइंट फाइव वाई सो यहां पे पॉइंट सेवन आया माइनस सेवन आया है तो 1.5 पॉइंट में हमने y की वैल्यू रख दी y की जगह पे माइनस सेवन तो यहाँ इंटू है तो इंटू माइनस सेवन प्लस सेवन तो यहाँ 15 15 सेवन जा हंड्रेड फाइव वन पॉइंट वन प्लेस पे डेसीमल लगेगा तो टेन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव इंटू सेवन इज टेन पॉइंट फाइव माइनस का साइन इसका साइड में लग जाएगा प्लस सेवन इधर आर एच एस में पॉइंट फाइव इंटू वाई की जगह पे माइनस सेवन रख देंगे सेवन फाइव जहाँ थर्टी फाइव माइनस साइन साइड में लग जाएगा वन प्लेस पे डेसिमल थ्री पॉइंट फाइव यहाँ भी माइनस टेन पॉइंट फाइव है माइनस टेन पॉइंट फाइव में प्लस सेवन करेंगे तो भी यही आएगा माइनस थ्री पॉइंट फाइव ऐसे समझते हैं कि जैसे ये पॉइंट फाइव नहीं है तो माइनस टेन प्लस सेवन माइनस टेन प्लस सेवन माइनस थ्री पॉइंट फाइव लगा देना है सो बोथ द आंसर्स एल एच एस एंड आर एच एस आर कमिंग सेम सिंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस सो वाईज इक्वल टू पॉइंट माइनस सेवन इज करेक्ट सो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व यू कैन डू बायूजिंग सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कैन बी डन क्वेश्चन नंबर थर्टीन एंड फोर्टीन में मैं हिंट देने वाला हूं ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन ट्राई टू डू अदरवाइज आई टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो इफ यू आस्क इन कम इन देन ओनली आर इन द ग्रुप सो क्वेश्चन नंबर थर्टीन को देख सकते हैं यहाँ पे हर एक टर्म डेसिमल में है सिर्फ ये टर्म नहीं है सो so जब भी डेसिमल में है उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिंपल वे में चलो ऐसे ही करते हैं विदाउट चेंजिंग इन फ्रैक्शन तो देखो ये वेरिएबल एक्स है ये भी एक्स है तो पॉइंट टू सिक्स एंड पॉइंट जीरो नाइन बोथ कैन बी एडिड सो ऐड करते हैं पॉइंट टू सिक्स प्लस जीरो पॉइंट जीरो नाइन दोनों को ऐड कर देते हैं नंबर्स कैन बी एडिट एन वेरिएबल को ऐसे ही नोट कर लेंगे सो नाइन सिक्स फिफ्टीन टू वन थ्री थर्टी फाइव पॉइंट थ्री फाइव सो हियर इन अलचेस पार्ट वी कैन राइट पॉइंट थ्री फाइव एक्स हमने डेसिमल नंबर्स को ऐड कर दिया और एक्स को एक साथ लगा दी एक्स यहाँ पे लगा दिया एक्स इज इक्वल टू दिस इक्वल टू पॉइंट एट माइनस जीरो पॉइंट फोर फाइव एक्स अब इसको इधर ट्रांसफर कर देना है तो जब ये इधर आएगा तो ये माइनस है इधर ऐड हो जाएगा तो पॉइंट थ्री फाइव एक्स प्लस पॉइंट फोर फाइव एक्स इज इक्वल टू एट दिस इज रफ पार्ट फिर से वही आ गया देखो पॉइंट थ्री फाइव पॉइंट फोर फाइव करते हैं पॉइंट थ्री फाइव पॉइंट फोर फाइव कर देते हैं फाइव फाइव टेन सेवन थ्री फोर सेवन एंड वन एट पॉइंट एट जीरो एक्स एक्स लगना है इज इक्वल टू एट अब यहां पे देखो पॉइंट एट जीरो इंटू एक्स है इन टू एक्स इज इक्वल टू एट अब ये उधर ट्रांसफर होगा तो क्या होगा एक्स इज इक्वल टू एट ये एट अपॉन ये पॉइंट जीरो पॉइंट एट जीरो सो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे डेसिमल देख सकते हैं ये पॉइंट एट है इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है ऊपर नीचे टेन से मल्टीप्लाई कर देंगे जब पॉइंट एट लिख सकते हैं यहाँ पे सो ये क्या हो जाएगा ऊपर एट्टी हो जाएगा नीचे एट हो जाएगा आंसर इज टेन एक्स की वैल्यू क्या आ गई टेन अब इसका आंसर भी चेक करना है तो एक्स की जगह एल और आर दोनों में यहाँ पे एल एक तरफ आर एच एक तरफ एक्स की वैल्यू रख के सॉल्व करनी है चेक करना है सो लेट्स चेक इट चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे पॉइंट टू सिक्स एक्स प्लस पॉइंट जीरो नाइन एक्स एंड एट माइनस पॉइंट फोर फाइव एक्स हमने x रखा x की वैल्यू 10 रख दी 0.26 टू सिक्स इंटू टेन प्लस पॉइंट ज़ीरो नाइन टेन इधर क्या होगा 8 माइनस पॉइंट फोर फाइव इंटू टेन है ना x की जगह 10 तो ये 0.26 टू सिक्स इंटू टेन तो 2.6 आ जाएगा प्लस पॉइंट ज़ीरो नाइन इंटू टेन पॉइंट नाइन आ जाएगा सो so, इसको ऐड करेंगे तो थ्री पॉइंट फाइव आएगा टू पॉइंट सिक्स एंड पॉइंट नाइन नाइन फाइव नाइन सिक्स फिफ्टीन एंड दिस इज थ्री पॉइंट फाइव सो आंसर इज थ्री पॉइंट फाइव फोर माइनस दिस इज वॉट फोर पॉइंट फाइव अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए पॉइंट टू सिक्स इंटू टेन तो डेसिमल एक राइट साइड में आ जाएगा

फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा दैट इज होमवर्क होमवर्क में मैं इस क्वेश्चन को चेंज इन फ्रैक्शन एंड शॉल्व इस फ्रैक्शन को फ्रैक्शन इस डेसिमल नंबर्स को इनको फ्रैक्शंस में चेंज करके सॉल्व करना है इन रजिस्टर एंड देन सो मनी लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एक्स माइनस टेन परसेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन सो एक्स टेन परसेंट मीन्स टेन अपॉन हंड्रेड ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एक्स ट्वेंटी सेवन तो x माइनस so 10 so यहाँ पे इसको सिंपलीफाई कर देंगे तो वन इन टू एक्स एक्स बाई टेन आ जाएगा इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन नाउ क्वेश्चन नंबर हमने अभी क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व किया था ना सेम मेथड यहाँ पे लगाना है अपॉन वन करके एलसीएम ये जो टेन है ना टेन वन और टेन का एलसीएम टेन होगा टेन से हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है और फिर आंसर चेक करना है सो दिस क्वेश्चन इज होमवर्क ट्राई टू डू इन योर कॉपी सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो Question number 8, 9, 10, and example number 11. Question number 15 will be solved in the next video. So, my dear children, if you like my teaching, please like, share, and subscribe. Thank you.